तो मैं दरख्वास्त करूंगी अपनी बहुत ही प्यारी सिस्टर परवीन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को कि वो आगे बढ़कर हफ्ती लजीज और पसंदीदा और अनमोल मेहमान को बाकायदा मेज पर तेल उंडेल कर खुश आमदीद करें। आप सबके भरपूर तालियों की बात हो
छावर करके दोबारा से कलामे मुकद्दस को खुशामदीद कहें। आहिस्ता आहिस्ता पालकी को स्टेज की तरफ लेके आए। पहाड़ों पर उस मुबशर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है। पहाड़ों पर उस मुबशर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसकी जो खैरियत की खुशखबरी देता और निजात की बातें सुनाता है। बाइबल कायनात को अपने कलाम से बनाने और कलाम ही की कुदरत से संभालने वाले जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है, जिसे उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। अभी फरिश्ते और मुकद्दसा मरियम के रूप में बच्चे एक्साइट भी हो जाएं और पालकी को स्टेज पर रखा जाता है। अभी तमाम हाजरीन से दरख्वास्त है कि बाइबल मुकद्दस को पालकी में स्टेज पर रख दिया गया है। आप लोग चंद लम्हों की खामोशी में अपनी अपनी जगह पर खामोशी से इज्जत और एहतराम के साथ कलाम मुकद्दस की जानिब रुख करके अपनी आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए अपने दिलों की आरज़ुओं मिन्नतों को उसके आगे रखें, क्योंकि जिंदा खुदावन के जिंदा कलाम हम में मौजूद है। क्योंकि खुदा का कलाम मौसर और हर एक दोधारी तलवार से तेज तर है। खुदावन दिल के ख्यालों को जानता है, उसके हजूर कोई मखलूक छुपा नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीज़ें खुली और बेनकाब हैं। कलाम मुकद्दस के साथ मुलाकात हमें बेअसर नहीं छोड़ती। खुदा का कलाम हमें हिला के रख देता है, हमें दरहम बरहम कर देता है, बेचैन कर देता है, तब्दील करता है और रोशन करता है। ये सच्चाई है बल्कि सच का मेयार है। ये बीज है जो बो दिया जाए तो बेफल नहीं रहता। इंसानों की रूहानी हिस्सा है, ये आईना है
जिसमें हमें अपनी हकीकी सूरत नजर आती है। ये हथौड़े की मानिंद है जो सख्त दिलों, सोचों और ख्यालात को चकनाचूर कर देता है। ये कदमों के लिए चिराग है और राह के लिए रोशनी है। ये खुदा की तरफ से इंसानों को दिया गया अबदी जाब्ता है। बाइबल मुकद्दस का हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। अभी हम अपने मोहतरम फादर मुख्तार आलम से दरख्वास्त करेंगे कि आने वाले तमाम मुअस्सिस मेहमानों को खुश आमदीद कहें। फादर मुख्तार साहब, खुदावंद यीशु के बरकत और जलाल के नाम से आप सबको मेरा आदाब और शाम का सलाम। मेरे लिए सआदत है कि मुझे आप सबको मेरी मुराद जनाब रेवरेंड फादर मैन रासी, जनाब रेवरेंड फादर विलियम राहत, जनाब फादर फेबियन पॉल, जनाब फादर लियोनार्ड स्टेगर, जनाब फादर रिजवान, नहीं छोटे मोटे तो नाम नहीं मिलवा रहे, माइकल, तमाम सिस्टर साहेबात और तमाम प्रिंसिपल साहेबात और साहेबान, तमाम मोमिनीन और टीचर्स और बच्चों और जितने भी लोगों ने पालकी उठाई और ये सारे इंतजाम किए, सब यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको आप सबकी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे बड़ा खुश आमदीद तो आज के मेहमान खुसूसी कलाम मुकद्दस को है। ये भी एक तारीखी लम्हा है कि हम आज कलाम मुकद्दस को बड़े मखसूस अंदाज से अपने दरमियान खुश आमदीद कहते हैं और फिर अगले चंद रोज़ और कई घंटे इसी कलाम का विर्द होगा और इसकी रोशनी और इसका नूर हम तक पहुंचेगा। कलाम इब्तिदा में था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हर एक चीज जो पैदा हुई उसी से पैदा हुई और उसके बगैर कुछ भी पैदा ना हुआ। जब हम इन बातों पर गौर करते हैं तो उस मकाम तक पहुंचते हैं जब रूहे खुदा पानी पर जुम्बिश करता था और ज़मीन के ऊपर गहराओं में रूह पानियों पर जुम्बिश करता था और उसने कहा कि रोशनी हो। कलाम का पहला अपना तारुफ वहाँ से शुरू हुआ कि जब रोशनी और तारीकी को जुदा किया गया, रोशनी में तारीकी में रोशनी का चमकारा हुआ। उसके बाद फिर जो कुछ भी पैदा हुआ उसी कलाम से पैदा हुआ। मैं जब कलाम की माहियत और असरियत को देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं कलाम को न सिर्फ इस मुकद्दस किताब में बल्कि हर चीज़ में, हर जगह में, हर मंजर में, हर एक्शन में, हर इवेंट में देखता हूँ। और मेरे लिए ये इतना लामहदूद सिलसिला है कि इसको कोई सर न कर सका न कर सकेगा। बस हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम इस कलाम को थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं और थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक बार फिर फादर इमैनुअल आसी की तमाम गुनागु मसरूफियतों और बिलखसूस पाक कलाम के लिए उनकी खिदमात का बहुत ज़्यादा मोतरफ़ हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन हर मुल्क हर जगह में इनका एक नाम है, एक पहचान है और अपने
वो काम से वालिहाना मोहब्बत और दिल जमी से मोहब्बत करते हैं। हमारी दुआ है कि फादर इमैनुएल आसी, जिनकी बदौलत आज की तकरीब मुमकिन हुई, रूह रवा है इस पूरी तकरीब के जो 3 दिन जारी रहने वाली है, जो हमारी डायसिस में पहले 2 मकाम पर जारी रह चुकी है, बड़े आसान तरीके से मुकम्मल भी हुई। तो फादर जी, आपकी तमाम कोशिशों और कावशों को सलाम करते हैं और आपकी सेहत, तंदुरुस्ती और दराज़ उम्र और बेशुमार कामयाबियों की दुआ करते हुए मैं अपने आने वाले दूसरे मेहमान का थोड़ा सा तज़किरा करना चाहता हूं, जो हमारे लिए कलाम मुकद्दस लेकर आए हैं। ये एक दौड़ है कलाम मुकद्दस के लिए, और उस दौर को ये दो नौजवान फादर इमैनुएल आसी और फादर विलियम राहत यहाँ पर आए हमारे लिए तोहफा लेकर। मैं फादर विलियम राहत को एक अरसे से जानता हूँ। ऐसे तो इंसान को इंसान कभी पूरी तरह नहीं जान सकता, न जान सका है। हम अपने आप को नहीं जानते पूरी तरह, तो दूसरे को क्या जानेंगे। लेकिन चंद एक खूबियाँ, खासियतें और उनकी जो भी मसरूफियात और शौक़ हैं, उनको देखते हुए इतना कहता हूँ कि फादर विलियम राहत एक जुनून का नाम है, एक तड़प का नाम है। जिस काम पर ये जुट जाते हैं, फिर अका पिछा रेरा सवेरा रात दिन मेरी देरी तूफान कुछ नहीं देखते, फिर बढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ इस पैरिश में इन्होंने संडे स्कूल और बाइबल की मुख्तलिफ क्विज प्रोग्राम्स और बाइबल के इल्म और बाइबल के शौक़ में उन्होंने झंडे गाड़ दिए यहाँ पर, और आजकल कोहाट में है और वहाँ भी इनके शौक़ बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही उम्दा हैं, और वहाँ के चर्च और पैरिश की तज़ईन और खूबसूरती और डेकोरेशन और रेनोवेशन में हमेशा लगे रहते हैं, और महंगे से महंगा स्टील और मार्बल और पता नहीं क्या क्या उधर इकट्ठा करके आप उस पैरिश को 4 चांद लगा रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि फादर विलियम राहत साहब हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा पाक कलाम लेकर आएंगे बहुत सारी कार्यों के साथ। इस्तकबाल है, और एक बार फिर मैं आखिर में आप सबको, जितने इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद हैं, जो जो भी खिदमत इस इवेंट को कामयाब और खूबसूरत बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की बहुत ज़्यादा खिदमत नज़र आ रही हैं, और इसी तरह पैरिश के बहुत सारे नौजवान कैटिकिस हमारे मुनाद साहिबान इस सारे इवेंट में शामिल हैं, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और सबको खुश आमदेद। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 दिनों में बहुत सारी बरकतें और बहुत सारे फजल हमारी तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फादर जी। मैराथन का नाम एक मुल्क यूनान के मुल्क का नाम है, जहाँ पर जंग हुई और उस मुल्क को फतह हासिल हुई। अमूमन मैराथन को खेल से मंसूब किया जाता है, मगर दौरे हाजरा में मैराथन ना सिर्फ खेल में बल्कि हर शोबा ज़िंदगी में मंजिल के हसूल तक बिला वक्फा मुसलसल और अनथक अज़म और आखिरी लम्हा तक मुस्तकिल मिजाज और हौसले की अलामत बन चुकी।